हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट विद अवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ न्यूमेरिकल एग्जांपल नंबर 2.5। चलो मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, पे अटेंशन। डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, मतलब हमें यू फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी यू ऑफ अ सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टू चार्जेस 7 माइक्रोकुलम एंड -2 माइक्रोकुलम एंड विथ नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस एट -9 cm 00 एंड +9 cm 00 रिस्पेक्टिवली। मतलब देखो इसमें क्या है कि एक ओरिजिन होगा, ठीक है, और ओरिजिन के राइट हैंड साइड पे जो भी डिस्टेंस है वो होंगे प्लस एक्स डिरेक्शन, और यहाँ पे जो डिरेक्शन है वो है माइनस एक्स डिरेक्शन, ठीक है। एंड यू हैव टू चार्ज पार्टिकल्स, वन इज अ 7 माइक्रोकुलम, ये है आपका 7 माइक्रोकुलम विच इज प्लेस्ड एट -9 cm 00, मीन्स -9 मीन्स नेगेटिव डिरेक्शन में 9 cm डिस्टेंस पे। एंड द अंदर चार्ज पार्टिकल इज, लेट से इट इज अ -2 माइक्रोकुलम एंड इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ +9 cm ऑन पॉजिटिव एक्सिस। रेडी, अब हमें फाइंड करना है कि ये पूरे सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है U इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर। सो U इज इक्वल टू के, अब K की जगह पे डाल दो 9 × 10⁻⁹ एंड एक चार्ज पार्टिकल होगा 7 माइक्रोकुलम, मीन्स 7 × 10⁻⁶ इंटू दूसरा होगा -2 × 10⁻⁶ डिवाइड बाय, यहाँ पे आर स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ आर होगा, पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूला में के क्यू वन क्यू टू बाय आर इतना ही होता है। सो आर, आर मीन्स डिस्टेंस बिटवीन दिस टू, सो डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल इज 9 + 9 = 18 cm, सो 18 × 10⁻²। रेडी, तो ये हमने क्या किया, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया एंड व्हेन वी सॉल्व इट वी कैन गेट द वैल्यू यू इज इक्वल टू -0.7 जूल, ठीक है। तो हमें इतनी पोटेंशियल एनर्जी मिली, -0.7 जूल। नाउ ऑलवेज रिमेंबर दिस नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स व्हाट, तो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है बट मैं तुमको सिखा रहा हूं, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इंडिकेट्स दैट द चार्ज पार्टिकल्स आर बाउंडेड, है ना, ये दोनों क्या है, अभी बाउंडेड है। ऐसा नहीं कि ये केस में, कोई भी केस में अगर चार्ज पार्ट टोटल पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव है, मतलब पूरा सिस्टम जो है वो बाउंडेड है। रेडी, ओके, अब हमें क्वेश्चन बी में, मतलब उसी में हमें बी पार्ट दिया है, बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, देखो हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इनफाइनेटली अवे फ्रॉम ईच अदर, इन दोनों को हमें ले जाना है सीधा इनफाइनाइट पे। रेडी, तो मतलब वो बाउंडेड है, उसको फ्री करना है, राइट नाउ दे आर बाउंडेड, सो उसको फ्री करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितनी एनर्जी से बाउंडेड है अगर उतनी ही एनर्जी, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मीन्स बाउंडेड, अगर मैं इतनी ही एनर्जी उनको पॉजिटिव दे दूं तो इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो, और हमें पता है कि इन्फाइनाइट, हमें इनको ले जाना है इन्फाइनाइट पे, तो पहले या दूसरे लेक्चर में ही हमने बताया था कि इन्फाइनाइट पे, इन्फाइनाइट हमारा रेफरेंस पॉइंट है और वहाँ पे ऑलवेज हमारी पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जाती है, जीरो। रेडी, मतलब हमें बाउंडेड से उनको इन्फाइनाइट पे ले जाना है, फ्री कर देना है, तो जितनी एनर्जी नेगेटिव है अगर उतनी ही एनर्जी हम पॉजिटिव देंगे तो वो फ्री हो जाएंगे, तो उसके लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, टू मेक देम फ्री वी हैव टू गिव एनर्जी
which is a plus 0.7 जूल, ठीक है, माइनस 0.7 है, अगर इतनी प्लस 0.7 दे दूंगा तो इनकी टोटल एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। इन्फाइनाइट पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, वही हमें करनी है। तो वो करने के लिए हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, प्लस 0.7 जूल, मतलब इतना वर्क करना पड़ेगा। रेडी, तो ये हो गया हमारा आंसर पोर्शन बी का। चलो नाउ पोर्शन सी, सपोज दैट द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो अब ये पूरे चार्जेस का सिस्टम है ना, उसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया है, ए इंटू 1/r². रेडी, और ए की वैल्यू दे रखी है, ए इज इक्वल टू 9×10^5 कूलम पर मीटर स्क्वायर। वॉट विल द इलेक्ट्रोस्टेटिक एनर्जी ऑफ द कन्फिगुरेशन। अब ये कन्फिगुरेशन की टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, रेडी। चलो सो नाउ टोटल पोटेंशियल एनर्जी यू, ये हमें फाइंड करना है। अब यहां पे ऑलरेडी एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रेजेंट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट करते हैं। तो मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है वो चार्ज पार्टिकल ओरिजिन पे है, यहां पे है, रेडी। चलो सो इन दोनों की टोटल पोटेंशियल एनर्जी इतनी तो थी, -0.7, रेडी। बट अब ये चार्ज पार्टिकल भी यहां पे पोटेंशियल लगाएगा, ठीक है। चलो तो वो पोटेंशियल कितना होगा, तो उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, थोड़ा यहां पे देख लेते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल है बट अच्छे से ध्यान रखो सब समझ में आ जाएगा। सो देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, E इज इक्वल टू -ΔV/ΔL। अगर इसी को अगर मैग्नीट्यूड में रखते हैं तो क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू ΔV/ΔL। मतलब इसमें से अगर डेल्टा वी को सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, E×ΔL। रेडी, मीन्स डेल्टा वी मतलब पोटेंशियल, पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डी। पोटेंशियल इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डिस्टेंस डी, वी इज इक्वल टू ई डी। ये फॉर्मूला नया बनेगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, नेक्स्ट थियरीज में यूज होगा, ठीक है। तो चलो मान लो कि ये जो यहाँ पे पोटेंशियल लगा रहा है वो पोटेंशियल की फॉर्मूला बनेगी, वी इज इक्वल टू ई इंटू डी। ओके, तो V इज इक्वल टू E, अब E की वैल्यू तो दे रखी है हमें A/r² एंड D, मतलब D मतलब हमारा डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस उन्होंने R लिखा है तो हम यहाँ पे D की जगह लिख देंगे R। सो R R कैंसिल आउट, सो पोटेंशियल क्या हो गया, A/r, ठीक है। तो पोटेंशियल मिल गया, अब पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला क्या होती है, U इज इक्वल टू VQ, रेडी। तो V मिला A/r इंटू हमारा ये जो Q है वो मीन्स 7 μC। तो ये चार्ज पार्टिकल यहाँ पे इतनी पोटेंशियल एनर्जी लगाएगा, तो वो एक पोटेंशियल एनर्जी हम ऐड करेंगे यहाँ पे, रेडी। चलो तो प्लस A/r इंटू 7×10^-6, और ये चार्ज पार्टिकल की यहाँ पर भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, रेडी। तो वो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट तो ऐसे ही करेंगे, इवेंचुअली फॉर्मूला क्या बनेगा इसके ऊपर से, यू इज इक्वल टू वी, वी की जगह वही रखेंगे A/r जो कि हमने डिराइव किया है, इंटू क्यू। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे वो कितना है, -2 μC, -2×10^-6, रेडी। चलो तो यहाँ पे प्लस एक ये वाली पोटेंशियल एनर्जी भी ऐड कर देंगे, तो दो हो जाएगी, एक ये वाली और दूसरी ये वाली। सो A/r इंटू -2×10^-6, रेडी।
Okay. So let's place the value. U is equal to minus 0.7 plus ये a. अब a की वैल्यू क्या दे रखी है, 9 × 10^5. सो 9 × 10^5 बाय r. तो यहाँ से ये डिस्टेंस 9 × 10^-2 × 7 × 10^-6 प्लस अगेन 9 × 10^5 बाय सेम डिस्टेंस 9 × 10^-2 × −2 × 10^-6. सो u इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस 9 कैंसिल, तो क्या बचेगा 7 × 10^2. ओके, तो ये दो ऊपर चला जाएगा तो प्लस हो जाएगा. सो 5 × 2 = 7 प्लस 7 − 6 तो 10^1 प्लस ये माइनस 2 ऊपर चला जाएगा तो 7 और यहाँ पे बचेगा ये माइनस की वजह से आएगा −2 × 10^1. मतलब अब यहाँ पे लिखता हूँ, देखो u इज इक्वल टू माइनस 0.7 प्लस 70 माइनस 20. तो इसको सॉल्व करोगे तो u की वैल्यू आएगी 49.3 जूल. रेडी, ये हमने c वाला पोर्शन सॉल्व किया. अब c वाला पोर्शन जब सॉल्व करें उससे पहले आपको ये लिख देना है डायरेक्टली, b के बाद सीधा c और c में पहले ये लिखना है फ्रॉम v इज इक्वल टू ed, है ना. ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिख दोगे गलत नहीं होगा. फ्रॉम v इज इक्वल टू ed, फिर a की जगह ये वैल्यू जो कि क्वेश्चन में दी रखी है a बाय आर स्क्वायर और d की जगह लिख दो r, r r कैंसिल, सो v इज इक्वल टू a बाय r. और फिर ये v से हमने इसका पोटेंशियल फाइंड किया u इज इक्वल टू वी क्यू फार्मूला से. सो इसके बाद लिखना है फ्रॉम फार्मूला u इज इक्वल टू वी क्यू वी कैन गेट टू पोटेंशियल एनर्जी दिस एंड दिस, और फिर इन तीनों का एडिशन कर देना क्योंकि ये तो ऑलरेडी पहले इन दोनों के पास थी. रेडी, सो दिस इज द आवर सॉल्यूशन. ठीक है, फिर भी अगर इसमें कुछ डाउट है तो पूछ लेना, मैसेज कर लेना, मैं आंसर दे दूंगा. ओके, नाउ नेक्स्ट रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट थियरी 2.8.3. पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डायपोल इन एन एक्सटर्नल फील्ड. ठीक है, चलो, तो डायपोल को जब एक्सटर्नल फील्ड में रखते हैं तो टॉर्क लगता है. टॉर्क टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था. बट यहाँ पे ये ऐसा है कि उसी डायपोल को अगर सेम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसको एक पोटेंशियल एनर्जी भी मिलेगी. रेडी, चलो, सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम. ये है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड वी हैव प्लेस्ड अ डायपोल ओवर हियर लाइक दिस. दिस वन इज द नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, दिस वन इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल एंड the angle between E and dipole is a theta. Ready? Total distance जो है हमारा कितना है 2a. Ready? चलो अब देखो, ये कर दो हमारा center part O, ये लिख दो यहाँ पे electric field E. So यहाँ पे लिखना है कि as we know that when a dipole is placed in uniform electric field, torque is acting on it, which is given by torque tau is equal to P cross E. इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1. ठीक है,
सो ये टॉर्क क्या काम करेगा? तो हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था कि ये टॉर्क डायपोल को ऐसे गोल गोल घुमाएगा और एग्जैक्टली यहाँ पे एक्स एक्सिस पे उसको अलाइन कर देगा. रेडी? सो ये डायपोल थोड़े टाइम के बाद कहाँ पे आ जाएगा? तो ऐसे हो जाएगा, विच इज नोन एज द इक्विलिब्रियम पोजिशन ऑफ योर डायपोल वेन प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड. रेडी? तो यहां पे आके तुम्हारा डायपोल स्टेडी हो जाएगा. यहां से अब मान लो थीटा जितना वापस उसको रोटेट करते थे इसके जैसे. सो यहां से लेके यहां थीटा जितना रोटेट करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा? सो नाउ वी नीड टू रोटेट दिस डायपोल फ्रॉम एंगल थीटा जीरो टू थीटा वन. हमें क्या करना है, उसको मान लो कि पहले कोई एंगल होगा थीटा जीरो, उसमें से थीटा वन ऐसा थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट करना है, थोड़ा सा रोटेट देना है. फॉर दिस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज गिवन बाय, क्या हो जाएगा? चलो तो फॉर्मूला पता है मैं कि W इज इक्वल टू एफ इन टू डी, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F, बट F की जगह यहां पे क्या आ जाएगा? टॉर्क. सो टाउ इंटू डी थीटा, ये W इज इक्वल टू एफ इंटू डी है, 11 स्टैंडर्ड में आ गया, बट ये रोटेशन मोशन में ऐसे लिखते हैं. कहां से कहां ले चल रहे? थीटा जीरो से थीटा वन पे. रेडी? अब टाउ की वैल्यू क्या है? चलो तो अब टाउ की वैल्यू डालते हैं. सो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन थीटा जीरो टू थीटा वन, टाउ की जगह पे ये वाली फार्मूला डालेंगे पी ई साइन थीटा डी थीटा. रेडी? सो W इज इक्वल टू पी ई कॉमन निकाल दो, इंटीग्रेशन थीटा जीरो से थीटा वन साइन थीटा डी थीटा. सो W इज इक्वल टू पी ई, साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? माइनस कॉस थीटा थीटा जीरो टू थीटा वन. रेडी? चलो अब मान लो कि हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना है, टाइटल है पोटेंशियल एनर्जी. सो हमने देखा था कि पोटेंशियल एनर्जी में एक रेफरेंस पॉइंट होता है और वो रेफरेंस पॉइंट पे ऑलवेज पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है. हमने अब तक जितनी भी थ्योरीज देखी उसमें हमने रेफरेंस पॉइंट क्या लिया? इनफाइनाइट. इनफाइनाइट पे पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होती है, प्रीवियस न्यूमेरिकल में भी हमने देखा था. ये केस में रेफरेंस पॉइंट कौन सा लेंगे? सो यहाँ पे भी हमें एक रेफरेंस पॉइंट लेना पड़ेगा और वो रेफरेंस पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी. रेडी? चलो सो अब क्या होगा, we have to choose a reference point in which potential energy would be zero and it is taken at 90 degree. तो वहां पर हम ऐसा मान लेंगे कि जो 90 degree है उसको हम रेफरेंस पॉइंट लेते हैं और वहाँ पे हमारी पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी ज़ीरो. तो ये जो थीटा ज़ीरो है ना, उसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे? 90 degree. रेडी? चलो पे अटेंशन. अब यहाँ पे मैं वैल्यूज लिखता हूँ. देखो सो W इज इक्वल टू, ये माइनस बाहर ले लेता हूँ, माइनस पी ई. चलो अब लिमिट कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा ज़ीरो, ये माइनस बाहर निकाल के हमने क्या किया, एक बार थीटा की जगह थीटा वन ले लिया, माइनस करके एक बार यहाँ पे थीटा ज़ीरो लिख दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. ठीक है? सो W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा वन माइनस
कॉस थीटा जीरो, बट थीटा जीरो को क्या लेना है 90, सो कॉस 90। सो हमें पता है कि कॉस जीरो होता है 1 एंड कॉस 90 जीरो, कॉस 90 जीरो हो जाता है, तो डब्ल्यू कितना होगा माइनस पी ई कॉस थीटा 1, मतलब वर्क डन हो गया माइनस पी डॉट ई, मोस्ट आईएमपी फॉर्मूला। व्हेनेवर वी प्लेस अ डायपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी एक पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, वर्क डन मींस एनर्जी, तो ये होगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी यू। सो व्हेन वी प्लेस अ डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो डायपोल की एक पोटेंशियल एनर्जी उसको मिलती है और उसकी फॉर्मूला होती है ये आपकी टेक्स्ट बुक में इक्वेशन 2.32 पे दिया है। और जब एग्जाम में मान लो अगर ये थ्योरी आती है तो यहाँ तक ही हमें लिखना है, टेक्स्ट बुक में जो यहाँ तक दिया है बस उतना ही लिखना है, ठीक है। मैं आपको टेक्स्ट बुक में दिखा दूँ तो ये जो थ्योरी है बस इतनी ही लिखनी है, एग्जैक्टली इतनी, इसके बाद वाला जो यहाँ पे सिंप्लीफाई किया उसको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, इतना ही बोर्ड एग्जाम में लिखना है इक्वेशन 2.3.2 तक, ठीक है। चलो सो अब आगे बढ़ते हैं, दिस वन इज अ रियली इंपॉर्टेंट थ्योरी, हाँ तो अच्छे से इसको लिख लेना, पढ़ लेना, कुछ डाउट है तो पूछ लेना, ओके। सो एग्जाम्पल 2.6, अ मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस हैज अ परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ अ मैग्नीट्यूड, तो एक सब्सटेंस है उसके एक मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट ऑफ ईच मॉलिक्यूल कितनी है 10^-29 कूलम इनटू मीटर। अ मोल ऑफ दिस सब्सटेंस इज पोलराइज एट लो टेम्परेचर, हमें कितना सब्सटेंस लेना है, एक मोल सब्सटेंस लेना है, बाय अप्लाइंग अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड, कितना मैग्नीट्यूड है 10^6 वोल्ट पर मीटर, मतलब एक मोल का सब्सटेंस है उसको इतना इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। फिर क्या है क्वेश्चन में, द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड इज सडनली चेंज बाय एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, रेडी। चलो तो इनिशियल जो डिग्री है इनिशियल वो है 0 डिग्री और सडनली वो चेंज हो गया थीटा टू 60 डिग्री, सॉरी ये सेल्सियस नहीं आएगा डिग्री है, 60 डिग्री पे आएगा। एस्टिमेट द हीट रिलीज बाय द सब्सटेंस इन अलाइनिंग द डायपोल अलोंग द न्यू डिरेक्शन ऑफ द फील्ड, फॉर सिंप्लिसिटी अज्यूम 100% पोलराइजेशन ऑफ द सैंपल, मतलब देखो 100% पोलराइजेशन मतलब ये एक मोल में जितने भी मॉलिक्यूल्स है सबका पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब सबकी डायपोल मोमेंट बनेगी। पोलराइजेशन क्या होता है, प्लस और माइनस को सेपरेट करना, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। 100% पोलराइजेशन मतलब वन मोल में जो है सबका पोलराइजेशन हो रहा है, तो एक मोल में कितने होते हैं, सो वी नो दैट इन वन मोल देर आर 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स। अब एक मॉलिक्यूल की डायपोल मोमेंट कितनी है, वन मॉलिक्यूल डायपोल मोमेंट इज 10^-29, तो टोटल हमारे पास इतने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.023 × 10^23 मॉलिक्यूल्स की डायपोल मोमेंट कितनी होगी, 6.023 × 10^23 × 10^-29, तो ये हमें मिला, इसको सॉल्व करने से मिलेगा 6.023 × 10^-6, दिस इज द
टोटल डायपोल मोमेंट पी इतनी है, ठीक है। तो ये प्रोसेस में जो डायपोल्स है वो 0 डिग्री से हटके 60 डिग्री पे चले जाते हैं। सो यहाँ पे कितनी एनर्जी रिलीज होगी ये प्रोसेस में? तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी? तो भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस पी ई कॉस थीटा वन, सो इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा वन कितना था? 0। ये हमारी इनिशियल पोजीशन थी, कॉस 0 होता है 1, तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी मिली माइनस पी ई, रेडी, क्योंकि यहाँ पे हमारा थीटा वन क्या है? 0, जो क्वेश्चन में दे रखा है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी? माइनस पी ई कॉस थीटा टू, सो यू टू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 60, रेडी। तो कॉस 60 क्या होता है? सो कॉस 60 होता है 1/2, सो यू टू इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस 60 हो गया हमारा 1/2, रेडी। चलो सो अब फाइंड करेंगे चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या हो जाएगा? देखो ये था माइनस पी ई बाय टू यू टू की जगह, माइनस यू वन क्या था? माइनस पी ई, सो माइनस पी ई बाय टू प्लस पी ई, तो एक पी में से आधा पी चला गया, तो क्या बचेगा? पी ई बाय टू। अब इसकी जब वैल्यूज डालोगे तो पी क्या था हमारे पास? टोटल डायपोल मोमेंट पी 6.023 × 10⁻⁶, और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दिया था हमें 10⁶ बाय टू, तो ये प्लस 6 माइनस 6 कैंसिल हो गया। सो इसका आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 3 जूल। इतनी एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना मिला? 3 जूल। इतनी एनर्जी ये पूरे प्रोसेस में रिलीज होगी, रेडी। ये फॉर्मूला कहाँ से है? अभी प्रीवियस थ्योरी में पढ़ाया था हमने कि डायपोल को जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इतना ये फॉर्मूला मिलती है, W इज इक्वल टू माइनस पी ई कॉस थीटा, है ना। तो यहाँ पे हमने इसलिए ये फॉर्मूला रखी है, पी ई कॉस थीटा। चलो सो आज के लेक्चर में यहीं तक रखते हैं। इन केस इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन ask me in the message section, never hesitate to ask the question. Thank you very much, my dear students.